हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द बेस्ट कॉफी इंडिया माय यूट्यूब चैनल। मैं सेल्फ आदर्श, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक कैपेचिनो को अपन कैसे मेक कर सकते हैं, उसकी क्या क्या प्रोसेस होती है। एक प्रॉपर कैपेचिनो बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की जरूरत होती है और कितनी क्वान्टिटी में होती है, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मिल्क और नट टेम्परेचर क्या होना चाहिए, राइट। तो आप हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल छोटे छोटे लेते हैं और इसको साफ कॉफी पाउडर है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर से लेवल किए और टैंपिंग से टैम्प किए। इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा शॉट है वो प्रॉपर तरीके से निकले, राइट। मैं स्ट्रॉन्ग कैपेचिनो बना रहा हूँ इसलिए मैं डबल शॉट यूज़ कर रहा हूँ। आपको जैसे पसंद हो आप मेक कर सकते हैं, सिंगल शॉट से भी मेक कर सकते हैं और डबल शॉट से भी। तो ये मेरा 48 ml शॉट से रहेगा। ये मेरा शॉट आ चुका है, आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके का एक शॉट है। क्रेमा मेन होती है हमारी पौधे और एक्सप्रेसो, अगर ये सही तरीके से हो रहा है तो आप कॉफ़ी को मेक कर सकते हैं। मिल्क हमारा राउंड घूमना चाहिए और मिल्क का टेम्परेचर होना चाहिए 65 एक प्रॉपर कैपेचिनो को। जो कि ये हमारा मिल्क है, इसमें ये देखिए काफ़ी अमी है मस्त है। अब अपन स्टार्ट करते हैं, ये हमारी कैपेसिटी बनने जा रही है। कैपेचिनो प्रॉपर रेडी हो चुकी है क्योंकि कैपेचिनो में फॉर्म ज़्यादा होना चाहिए और मिल्क की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। 70% मिल्क, सॉरी 70% फॉर्म होना चाहिए और 30% मिल्क, तो आपकी प्रॉपर कैपेचिनो। मैं एक बार सिप लेके आपको बताता हूँ कि फॉर्म कैपेचिनो है या नहीं है। 100% डन, ये आपकी कैपेचिनो है। तो ये इसकी प्रोसेस होती है। आप जब भी मेक कर रहे हैं आप ये वीडियो डायरेक्ट वॉच कर सकते हैं और आपको जो भी प्रॉब्लम्स है आप मुझे कमेंट बॉक्स में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप प्लीज़ गाइड कर सकते हैं। मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने वीडियो देखा, बेस्ट ऑफ लक।